तो फ्रेंड्स हम पहुंचे हैं बिल्कुल प्रेम मंदिर, ये है मेन गेट इसका, और अंदर जाएंगे, अंदर का और भी व्यू देखेंगे, बहुत शानदार। देखो ना पूरा वाइट वाइट वाला, और देखिए फ्रेंड्स ये वो देखिए, ये झूला ना कोई झूला नहीं रहा, नेचुरल झूल रहे अपना हवा से। तो अंदर की ओर आ गए एंट्री, लेकिन भाई ने गोप्रो को मना कर दिया था उसने एंट्री में, फिर मैंने गोप्रो को कहाँ छिपाया। पहुंच गए हम बांके बिहारी में, और जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है राजीव ब्लॉग में। फ्रेंड आज का ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मथुरा के वृंदावन में, जो श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और अभी मैं जो खड़ा हूँ इस समय वो है पर्यटक स्थल है, गवर्नमेंट पर्यटक स्थल है, काफ़ी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। फिलहाल तो हम लोग रात होटल में रुके थे, मैं अभी यहाँ किसी साथी को मिलने के लिए आया हूँ। पूरी जनसंख्या हमारे सब साथ हैं, वो हमारे इंतजार कर रहे हैं, और कुछ खाना भी बनता है ना यहाँ, जो लोग दूर दूर से आते हैं तो हमने पूरा सामान ले आते हैं यहाँ पर, और सामान ला करके पूरी रात भर यहीं सोते। रात जब हम आए थे ना यहाँ बहुत लोग सो रहे थे, फिर हमने वहाँ रूम लिया। ये इन्हीं की जन्मभूमि में हम आए हैं खुशी। तो अभी हम लोग चल दिए, हम लोग ऑटो से जाएंगे। वैसे कहाँ गए मम्मी, कहाँ गई? चलो ऑटो से जाएंगे ना, ऑटो से जाएंगे। हाँ तो राजीव की गाड़ी थी, मम्मी नाना नानी को लगाती हूँ। चल गए वृंदावन के लिए, और ऑटो से जाएंगे। बस तो हमने यही रखे, बैग बैग सब रख दिया हमने। सबसे बड़ी सुविधा है 5 रुपया कॉइन डालो और 2 लीटर पानी प्राप्त करो, आरओ का पानी मस्त बिस्लरी, बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था है पानी की। तो ये हमारे टेम्पो में, हम टेम्पो में बैठ गए भाई लोगों। मथुरा पर्यटक स्थल से 4 किलोमीटर दूर है वृंदावन। हम जा कहाँ रहे हैं? बांके बिहारी। अच्छा मैंने मंदिर जा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, सारे फ्रेंड बांके बिहारी की ओर हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। वृंदावन ये जगह है, उस जगह से गुजरते हुए हम जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हम वृंदावन में घूम रहे हैं। अब हम बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ जूते चप्पल निकालने का स्टैंड है, एंट्री गेट ही है, यहाँ से गेट होगा। चलो आओ, बंदर ले गया दीपक का चश्मा, टोपी ले गया, अब फ्रूटी फेंक रहे हैं उसको। अभी भीड़ हो चुकी है, और सुबह के बचे हैं अभी 7:30। टोपी ले गई क्या तुम्हारी? मिल गई। कैसे मिली? चश्मा ले गया, चश्मा मिल गया, लेंस ले गया, कर दिया काम। फ्रूटी बंदर ले गया, कैप ले गया, भैया हमारा तेरे साथ सीन हो रहा बार बार। तो और भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, बहुत भीड़ हो गई, देखिएगा बहुत भीड़ है बहुत। पहुंच गए हम बांके बिहारी में, और बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान की जय। हम जो बांके बिहारी का पूरा दर्शन करने के बाद अभी पहुंचे हम प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। प्रेम मंदिर के अंदर का पूरा व्यू दिखाएंगे, पूरा ही दर्शन करेंगे, और साथ ही मम्मी पापा साथ जा रहे हैं मेरे, और अभी देखो पापा जी जा रहे हैं, हम लोग पैदल पैदल आए। और ये है हमारा प्रेम मंदिर का मेन गेट। हम पहुंचे हैं बिल्कुल प्रेम मंदिर, ये है मेन गेट इसका,
और अंदर जाएंगे, अंदर का और भी व्यू देखेंगे, बहुत शानदार। देखो ना पूरा वाइट वाइट चल रहा, लेकिन रात का व्यू अलग देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग दिन में टाइम है और रात में पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम दिन में ही दर्शन कर लेते हैं एक बार। अंदर की ओर आ गए एंट्री, लेकिन भाई ने गोप्रो को मना कर दिया था उसने एंट्री में। फिर मैंने गोप्रो था कहाँ छिपाया, गोप्रो में ना आया। अरे गोप्रो किधर गया, मेरा गोप्रो कहाँ है? तो गोप्रो हमने रखा है, श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें बचा लिया है, वो हमने छुपा कर रखा था। दिखाओ दिखा है ये हमारा गोप्रो यहाँ मिला है, हमने गोप्रो बच गया, इन्हें तो गोप्रो बाहर रखना पड़ता। क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो भी कैमरा मोबाइल से भी सब कुछ वही होता है जो गोप्रो करता है। पर्वत उठाए श्री कृष्ण भगवान जी, आइए मैं चलता हूँ एक हाथ पर, उन्होंने कैसे अपने वो पर्वत को उठा रखा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलने वाला है अभी। और ये क्या नृत्य है यहाँ पर, तो पूरे ही कला संस्कृति सब श्री कृष्ण लीला जो है बहुत ही अच्छी तरह से बिखेर रखी है। आलू क्या बढ़िया लिखा है, कृपालू। हम चलते हैं वहाँ, पंछी उंगली में उठा रखा है ये पर्वत। लेकिन बनाया किस टेक्निक से होगा यार, ये कहीं पे टेक है ही नहीं, इसमें कहीं पे भी कोई टेक नहीं है। फाइनली फ्रेंड आप मंदिर के दर्शन करने चलते हैं, और भाई मजा आ गया, मजा आ गया था। अंदर चलते हैं दर्शन करके आते हैं, आ जाओ आ जाओ। देखिए फ्रेंड्स ये वो देखिए, ये झूला ना कोई झूला नहीं रहा, नेचुरल झूल रहे अपना हवा से। ये क्या नज़ारा है यार भाई, क्या हवा झूला रही श्री कृष्ण भगवान राधा जी को, बहुत बढ़िया। उधर तो हमने देख लिया शेषनाग वगैरह का पूरा व्यू है, और कुछ इस तरह से है हमारा ये प्रेम मंदिर। अब हम चलते हैं बाहर की ओर, हमारे घर वाले सब निकल गए बाहर प्रेम मंदिर को बाय बाय कर। तो अभी जो है फाइनली हमने प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल गए निधि वन के लिए। हाँ जी,
तो फाइनली हम पहुंच गए निधिवन, और निधिवन में एक मंदिर ये मिला हमको। पता है निधिवन तो मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो जैसे हम पहुंचे यहाँ निधिवन के लिए तो मंदिर ही बंद हो गया, अब हमें वापसी जाना पड़ रहा है। ओ वो बड़ी गलती हो गया, पता ही नहीं था दोपहर में मंदिर बंद हो जाते हैं। तो वापसी चलते हैं फिर, कोई बात नहीं।